इट्स नॉट कावासाकी, इट्स कावासेक्सी, जो कि है हमारा एग्जॉस्ट, जो कि आजकल एक बहुत ही भयंकर सा टॉपिक हो रखा है हमारे चैनल पर। तो आज से हमारी राइड हो चुकी है ये, हम लोग अब से ये नहीं चलाएंगे, हमारी राइड चेंज हो चुकी है। So, hey, what's up? Good morning. Welcome back to the channel. Welcome back to a new vlog. Actually, good morning नहीं, अभी good evening हो रही है, समय रात हो रही है। क्या टाइम हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है 8 in the night। और अभी मैं क्यों जा रहा हूँ बाहर, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये कल सुबह इसके साथ हमको जाना है एक राइड पर, और मैं अभी से उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने ये टेम्प्रेरी वाली नंबर प्लेट भी फिलहाल लगा दी थी, जस्ट बिकॉज इस समय CPO पुलिस एंड ऑल बहुत ज़्यादा एक्टिव रखे, और मैं नहीं चाहता कि हमारी प्यारी का चलान हो जाए थोड़ा सा भी। देखो मुझे मतलब मैं जब भी व्लॉग करता हूँ ना, जब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई गाड़ी पास कर देती है, कोई स्कूटी या कोई कुत्ता घासने लगता है एकदम से बाहर आके। ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि हाँ ये मेरे पास ही है, ये अपनी ही बाइक है और इसको मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा चला चुका हूँ, लेकिन स्टिल मैं अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कल से वो चलाने के लिए। अभी एक काम करते हैं, चुपचाप जाके सो जाते हैं, मतलब सोने की तैयारी करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सोते हैं, बिकॉज सोने का मेरा टाइम ये रहता है 8:45-9 मैं आजकल सो जाता हूँ लास्ट। साथ में बोल गया भाई, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम शाइम सब निकल के बताता हूँ, बिकॉज मैं कहीं जाने के लिए थोड़ा सा लेट हूँ अभी। तो आज से हमारी राइड हो चुकी है ये, हम लोग अब से ये नहीं चलाएंगे, हमारी राइड चेंज हो चुकी है। चलो जी, चल मेरी धन्नो, चल 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 चल। हाँ बस अब यहीं पर है। हाँ जी, तो गाइस अभी जस्ट जोकिंग, मैं एक्चुअली इसको सिर्फ बाहर निकाल रहा था, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इसको एक वॉश की नीड है। मैं इसको सिर्फ बाहर निकाल रहा था जस्ट बिकॉज मुझे ये भी बाहर निकालनी है। शाबाश, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। तो उसको जल्दी से बाहर निकालते हैं, इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट, फिर आपको बताता हूँ सारी कहानी आज की। कावा सेक्सी, इट्स नॉट कावासाकी, इट्स कावा सेक्सी, हमने चेंज कर दिया है। अबे तेरे गेट खुलती है, आवाज आ जाती है क्या डोरू? आ गया आ गया। चलो जी, आप इतना कोल्ड स्टार्ट हो जाओ, हम आते हैं डोरू से मिलके। आज इसको नहला दिया क्या? आए डोरू मेरे बच्चे, डोरू। हाँ यार, नहाया है क्या? अच्छा, अरे अरे अरे, आराम से आराम से आराम से गिरेगा। मैं भाई चल, तू खेल ले थोड़ी देर इसके साथ अभी। हाँ जी, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है टोटल, इसका वाइजर कर लेते हैं डाउन, वरना इसकी आवाज़ ही आती रहेगी, हमारी तो आएगी नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस जिम के लिए, जस्ट बिकॉज सुबह की जो राइड है वो हमारी कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मेरा दिल टूटा, मेरा दिल चूर चूर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दुखी होने के रीज़न बहुत सारे होते हैं लाइफ में, लेकिन अगर आप उसमें खुशी होने के रीज़न ढूंढ लो तो फिर तो क्या ही बात है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, इसका कोल्ड स्टार्ट होने वाला है, और बताऊँ उसको मैं 50 डिग्रीज पास निकाल दूंगा, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। और जी मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों से बात करने के लिए, जो कि है हमारा एग्जॉस्ट, जो कि आजकल एक बहुत ही भयंकर सा टॉपिक हो रखा है हमारे चैनल पर। अभी निकलते 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 बात करते हैं, बिकॉज टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ग्लव्स पहनना भूल गया, हाथों में ठंड लग रही है। अब जिम में जाके सबसे पहले मुझे वार्म अप करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से, नहीं तो आज हालत ख़राब हो जाएगी। अपना भी कभी ये टाइम था, हम भी ऐसे कोट शोट पहन के स्कूल जाया करते थे, याद आता है ये टाइम बहुत ज़्यादा। आंटी जी एक सेकेंड साइड है, तो एक सेकेंड बस, थोड़ी देरी हो रही है आज। मेरे हाथ कांप रहे हैं बहुत गंदे, 2-3 दिन बाद जब एक्सरसाइज करो, एक्चुअली 2-3 दिन से ज़्यादा जब गैप लेके एक्सरसाइज करो तो ज़बरदस्त दर्द हो जाता है बॉडी में। भाई 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 भाई, ये लो जी, ये रेडी है हमारी जिम के वर्कआउट के बाद एक अच्छा सा मील, जो कि है 100 ग्राम मूंग दाल। अभी थोड़ी देर धूप में आके बैठा हूँ, अच्छा अच्छा लग रहा है, वो भी गिरती बहुत थोड़ी। तो जब तक मैं फिनिश कर रहा हूँ अपनी ये वाली मील, आप लोग ये वाली क्लिप देखो। तो जी अभी आ जाते हैं द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ आर चैनल, जो कि है हम अपनी बाइक का एग्जॉस्ट कब चेंज कराने वाले हैं, हमारी बाइक का एग्जॉस्ट स्टॉक क्यों है, हमारे बाइक का एग्जॉस्ट मॉडिफाइड क्यों नहीं है। इतने सारे कमेंट आ चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो देखो अब जवाब देना बनता ही बनता है। अब देखो जो बात मेरे दिल में है ना, जो बात मेरे मन में है, मैं सारी बातें आप लोग के सामने रखूंगा। डिसीजन आप लोग का है कि आप लोग ये चीज़ डिसाइड करो कि मैं सही हूँ या फिर गलत, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइज ये बाइक जो मैंने ली है ना, मैं एक बाइक एंथुजियास्ट हूँ, बाइक का भाई, बाइक चलाने का, बाइक्स ओन करने का, उनको मतलब एक्सपीरियंस करने का बहुत ज़बरदस्त वाला पैशन है मेरे अंदर। लेकिन पता है बात क्या है, ये बाइक मैंने एंजॉय करने के लिए खरीदी है, ये बाइक मैंने लाइफ जीने के लिए, आगे अपना बाइक एंथुजियास्ट, अपना बाइक पैशन परस्यू करने के लिए खरीदी है।
अब इसके साथ मैं एक टेंशन पाल लूं कि अगर मैं कहीं निकल रहा हूं तो मैं अपने मन में टेंशन रखूं यार, कहीं मेरे को पुलिस तो नहीं दिख जाएगी यार, कहीं मेरा चलान तो नहीं हो जाएगा। बिकॉज हम सब जानते हैं, कोई बोलता नहीं पर हम सब जानते हैं कि बाइक्स में एग्जॉस्ट लगवाना इलीगल है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, अपने रॉयल एनफील्ड का जो मैं ओन करता हूं क्लासिक 350, उसका भी एग्जॉस्ट मेरे में लगा हुआ था, द शार्क एग्जॉस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग आवाज़ थी उसकी, उसका थंब बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत लाउड था। लेकिन पता है क्या, वो भी मैंने चेंज करा लिया था। मैं उसका स्टॉक एग्जॉस्ट अपनी बाइक का कहीं पर छोड़ आया था, कहीं पर भूल आया था जहाँ से मैंने वो एग्जॉस्ट अपना चेंज कराया था। लेकिन स्पेशली महंगे में मैं स्टॉक एग्जॉस्ट खरीद के लेके आया और मैंने वो चेंज करा, जस्ट बिकॉज मैं कहीं भी निकलता था ना, मेरे मन में एक डर रहता था और स्पेशली घर वालों के मन में एक चीज़ आती थी कि यार ये अभी वहाँ होगा, यहाँ होगा, और अभी मतलब इसको कहीं पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी, मतलब उनके मन में ना कहीं एक टेंशन रहती थी। अब देखो, उनको भी टेंशन देना, खुद भी टेंशन में घूमना, इसीलिए तो हम ये बाइक्स नहीं खरीदते ना, हम लोग खरीदते हैं कि अपने मतलब मज़े ले सकें यार, इस बाइक के एक्चुअल मज़े को हम लोग उठा सकें। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं गाइस, मैं इस पर लॉन्ग टूर्स भी करने वाला हूं, मैं इस पर अच्छी खासी रोड ट्रिप्स करने वाला हूं। मैं इसको मैंने खाली शहर में चलाने के लिए नहीं लिया है कि मैं इसको खाली शहर में यूज़ कर रहा हूं या मैं इसको खाली गलियों में चला रहा हूं। मैं चाहता हूं मैं फ्रीली घूमूं, मैं टेंशन फ्री घूमूं, मेरे घर वाले फ्री रहें, मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोई भी टेंशन ना हो। अगर मैं कहीं निकला हूं ना तो वो लोग टेंशन फ्री हो कि आ रहे हैं मैं देख लेगा, मैं उनको टेंशन में नहीं छोड़ना चाहता है और ना ही मैं खुद ऐसे टेंशन में निकलना चाहता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग अभी इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट ही रखें, आगे जाके फ्यूचर में अगर प्लान बनता है तो ऑब्वियसली आप लोगों को सबसे पहले पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग उसको स्टॉक चलाएंगे, स्टॉक एग्जॉस्ट यूज़ करेंगे, बाकी सारे जो भी मॉडिफिकेशन है वो हम लोग इसमें धीरे धीरे कराते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरा जवाब यही रहेगा कि अभी हम इसको स्टॉक ही चलाने वाले हैं, इसके खूब मज़े उठाने वाले हैं। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि स्टॉक बाइक में आवाज़ नहीं है, सुपर बाइक वाली फील नहीं आती, तो मुझे एक बात बताओ, जय बजरंगबली, तो मुझे एक बात बताओ, ये आवाज़ कौन सी नॉर्मल बाइक में आता है? ये आवाज़ सुपर बाइक की होती है गाइस, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ है इसकी, मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसकी शॉक आवाज़ से भी। तो धीरे धीरे करके इसको भी इम्प्रूव करते रहेंगे और भी ज़्यादा मज़े उठाएंगे और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, कंटेंट, आई एम रियली सॉरी, कंटेंट देखना है तो आप लोग टिकटॉक पे देख सकते हो। There you go, ये देखो हमें कौन दिखा, पापा जी। घर की कुछ ग्रोसरी शॉपिंग चल रही है। ये पूरा वीक मेरे लिए इतना ज्यादा हेक्टिक गया, लेकिन कुछ ना कुछ करके हम लोगों ने टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियोस बनाई और अपने अपलोड करी। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं गाइस, अगर आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ऑलवेज राइड सेफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। अंकल घर जाके कर लेना, बीच रास्ते में शुरू हो रखे हैं, मतलब और एकदम पूरा रास्ता ब्लॉक करके चल रहे हैं। बस वही है जी, इनको थोड़ा सा इग्नोर करके ही चलो, तभी आप खुश रह पाओगे रोड पर, बिकॉज इनके जैसे हज़ार मिलते हैं, हज़ार।